नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है वॉइस ओवर महक में और मैं हूं संदीप सलवान। तो आज हम जानेंगे वॉइस ओवर के बारे में। तो आज से शुरुआत हो रही है वॉइस ओवर टिप्स इसी चैनल के अंदर। तो जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं वॉइस ओवर के अंदर, डबिंग के अंदर, या फिर कार्टून वॉइसेस, या कोई और प्रोजेक्ट इसी तरह के, तो स्टार्टिंग में काफ़ी आपको डाउट्स होंगे कि कैसे इसमें अपना करियर बनाएं, कैसे शुरुआत करें, क्या एक्सरसाइज करें, कहां से स्टार्ट करें। ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शुरू में आपको परेशान करती हैं, आपको समझ में नहीं आती कैसे उसको अचीव करें, कैसे उसको समझें। तो आप सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए स्टार्टिंग के अंदर, बाद में भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। नंबर वन, प्रोनंसिएशन। नंबर टू, मॉड्यूलेशन। एंड नंबर थ्री, पेस एंड रिदम। ये तीन चीज़ों के ऊपर ही हमारे जो डबिंग होती है, वॉइस ओवर होते हैं, ये सारे इन तीन चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोनंसिएशन। अगर आपका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होगा, उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, और ऐसा नहीं है कि इसकी इसमें कोई गलती नहीं करता, बहुत से लोग गलत बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हर वर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला ना, हर वर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो मैंने ये चाहिए बोला ना, मैं इतना ज़्यादा मुझे अवेयर होना चाहिए कि मुझे चाहिए बोलना है, चाहिए चाहिए ए चाहिए, तो ये क्लियर सुनाई देना चाहिए। प्रोनंसिएशन में आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम कोई गलती नहीं करते, कई बार कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं वॉइस ओवर के दौरान। हाँ, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, वो आपको बोलेगा यार आपने इतनी बड़ी मिस्टेक करी, आपको पता ही नहीं था। तो इसलिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वॉइस ओवर का, प्रोनंसिएशन, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, तो प्रोनंसिएशन के ऊपर पहले आप फोकस रखिए। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको करियर बनाना है वॉइस ओवर में, तो आप आँख बंद करके ये मत सोचिए मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी आवाज़ भारी है, या मेरी आवाज़ मीडियम बेस में है, या मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आवाज़ सबकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की आवाज़ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट इज़, जब आपकी प्रोनंसिएशन ठीक होगी ना, तो आपका वॉइस ओवर अपने आप सुनने में अच्छा लगेगा, वो एक प्रोफेशनल लगेगा। लेकिन प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होगी तो वो पता लग जाएगा कि ही इज़ नॉट प्रोफेशनल। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपने प्रोनंसिएशन के ऊपर। गलतियाँ सबसे होती हैं, डोंट वरी, करो गलतियाँ, लेकिन सीखो साथ साथ, उसमें मार्किंग करो सब में। कोई ऐसा आपको लगता है कई बार, यार ये वर्ड ऐसा ही होता है, मैं जानता हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कई बार, तो आप देखो नहीं यार ये वर्ड कैसे होता है, इसको सुनते हैं हम, तो कैसे पता लगेगा प्रोनंसिएशन ठीक है या गलत। तो आप वेबसाइट है हाउस से, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या कॉलेज में कोई प्रोफेसर हो तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो इसमें, प्रोनंसिएशन पार्ट में। अब सेकेंड जो मैंने आपको बताया वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जितना प्रोनंसिएशन इंपॉर्टेंट है। अब मॉड्यूलेशन में क्या क्या ध्यान रखना होता है? मॉड्यूलेशन में कई बार हम लोग सोचते हैं, हमें पता है मॉड्यूलेशन मींस कि चिल्ला दिया, डाउन हो गए, एक्साइटेड हो गए, लो हो गया, फ्लैट कर दिया, लेकिन नहीं। कई बार मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं ना, हमारा दिमाग सोचता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन में आपको बैलेंस बोलना पड़ता है। जैसे खुल गया आपके इलाके में एक ऐसा शोरूम खुल गया है जो आपको देगा, तो ये जो एक्साइटमेंट मैंने अभी किया, जैसे मैंने बोला, ये मॉड्यूलेशन होती है। इसमें अप डाउन करना पड़ता है आपको, खुल गया। तो ये अलग अलग तरह से होता है मॉड्यूलेशन के लिए। आपको आपके जो क्लाइंट हैं, जो आपसे वॉइस ओवर करवा रहे हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, आपको उनसे पूछना होगा कि आपको किस टाइप का वॉइस ओवर चाहिए, उनसे क्वेश्चन पुट अप करो। इस मॉड्यूलेशन के बारे में हम और भी ज़्यादा डीप में बात करेंगे अगले वीडियोज़ के अंदर, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वीडियो बार बार फुल एक्सप्लेनेशन इसी के ऊपर होगा विद एग्जाम्पल्स, इसलिए टेंशन मत लो। राइट, प्रोनंसिएशन हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेशन को समझना है। देन थर्ड आ जाता है आपका रिदम एंड पेस।
पेस और रिदम के बारे में भी हम और ज़्यादा बात करेंगे अगले वीडियोस में, तो उसके लिए भी आप घबराइए मत। तो पेस और जो रिदम है वो आपको धीरे धीरे आ जाता है। इसका सिंपल सा वंडा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास 2 मिनट की स्क्रिप्ट है या 1.5 मिनट की स्क्रिप्ट है तो आपको थ्रू आउट सेम पेस रखना है, सेम स्पीड रखनी है उसकी। ऐसा ना हो कि शुरू वाला पार्ट बोल दिया एक्साइटमेंट के साथ, बीच वाले में आप थोड़े फ्लैट हो गए या लेजी हो गए, और जब उसका एंड कर रहे हो तो आपने एकदम हाई एक्साइटमेंट के साथ बोल दिया। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वॉइस ओवर का, वो इन तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है, प्रोनंसिएशन, मॉड्यूलेशन एंड रिदम एंड पेस। तो इसको समझो, राइट? तो और इस पहला वीडियो है वॉइस ओवर के ऊपर, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो आप VOM DMO वॉर्म डेमो पर वो सैंपल भेज सकते हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, और इसमें कोई कमी है, कुछ भी है आपको लगता है, क्या ऐड ऑन होना चाहिए वो भी बताइए। और धीरे धीरे वीडियोज आएंगे और भी, और आपको एक इन्फॉर्मेशन, नॉलेज थ्रू आउट मिलती रहेगी वॉइस ओवर इंडस्ट्री के बारे में। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।